गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सब लोग ही बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 6:30, मतलब मैं 6 बजे उठी थी, फ्रेश व्रेश हुई, ब्रश वगैरह करा, उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पर पानी रखा है क्योंकि मुझे गर्म पानी पीना है और हस्बैंड को भी गर्म पानी देना है। हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता हमारी सेहत पे गर्म पानी पीने से, बट फिर भी हम लोग पीते हैं, आदत जैसी बन गई है। तो अभी सुबह का 6:30 बजा है, आरब को अभी उठाया नहीं है। मैं अभी सबसे पहले आरब के लिए पराठे बनाने हैं, तो मुझे क्या कहते हैं उसके लिए मैं आटा गूँध के रख रही हूँ, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और आज उसको लंच में चाहिए क्या कहते हैं आलू रोल, तो वैसे तो आलू को पराठा ही खाता है नॉर्मल, बट उसको फ्रेंच फ्राइज बना के ना आलू के वो रोल करके वो चाहिए था। तो बोला मम्मी मुझे वो खाना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। तो सुबह मॉर्निंग में उठ गई हूँ मैं, और अभी मैं आटा लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं अरब को भी जगाऊंगी जाके। और केसू है जो साथ में मतलब उठ जाता है, बट थोड़ा देर हस्बैंड उसको थपथपा देते हैं, अपने पास चिपका के लिटा लेते हैं, तो फिर वो सोता रहता है। और इधर मैं जब तक अपना काम कर रही हूँ कि किचन का काम निपटा रही हूँ, जो भी काम किया है, मतलब आटा लगा के रखना है और आलू को काटना है अभी, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ आरब के लिए ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने आलू अपने कट कर लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज जैसे कटते हैं ना वैसे ही काटे, कोशिश तो वैसे ही करी है। और इसमें मैं डालूँगी ये क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं कॉर्नफ्लोर, हाँ कॉर्नफ्लोर या फिर आरारोट, तो 1 चम्मच डाल क्योंकि एक ही आलू है तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 1 चम्मच भी मुझे लग रहा है ज़्यादा तो नहीं है, बस 1 चम्मच ठीक है। तो ये 1/2 चम्मच मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, और 1 चम्मच डालूँगी मैं मैदा। और उसके बाद क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसमें मैदा डालूँगी। मैदा डालने के बाद इसमें नमक जाएगा, और जैसे कि अरब मिर्च नहीं खाता है तो उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी, और बिल्कुल नाम के लिए लाल मिर्च की कलर आ जाए, वो भी कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके अभी इनको फ्राई भी करना है, और अच्छे से इनको पहले ना मिला लेना, मैरिनेट टाइप का होता है ना, वैसे तो सभी को आता बट मैं पता नहीं क्यों ज्ञान दे रही हूँ फालतू का, तो मैं ज्ञान नहीं दे रही। और यहाँ पे मैंने ये नमक डाला है, तो और कॉर्नफ्लोर और मैदा मैं डाल चुकी हूँ, और नमक और लाल मिर्च जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च, तो बस इतना ही डालना और कुछ नहीं। तो इनको अच्छे से मिला के मैं अभी रख दूँगी। और मैं यहाँ पे ना कढ़ाई में तेल पहले ही रख चुकी हूँ कि तेल गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, मतलब मीडियम आँच पर तेल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज आँच में नहीं होना चाहिए, और धीमी आँच पे मैंने इनको डाला है। और फ्राई करने के लिए ना हमेशा धीमी आँच पे इनको फ्राई करें ताकि अंदर तक आलू पक जाए, वरना कच्चे रह जाएंगे। इधर आरब भी सो के उठ चुका है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे दूध गर्म करके उसको दूध बना के रख दिया है, क्योंकि उसको भी देना होगा वरना वो लेट हो जाएगा। तो उसके पापा ने उसको फ्रेश करवा दिया है, मतलब उसको ब्रश वगैरह करा के उसका मुँह धुला के बैठा दिया, तो वो टीवी देख रहा है, तो मैं उसका दूध भी उसको दे दूँगी, मिल्क उसका। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। तो यहाँ पे मेरा आटा ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था, हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, तो बनाते नहीं बनना था। फिर मैंने जैसे तैसे एक पराठा उसका, मतलब एक नहीं दो पराठे बने, पहले तो मैंने स्क्वायर पराठा बनाना था बड़ा सा, बट वो बेलते नहीं बना था, चिपक जा रहा था। अब मैं उसको अगर सही करने बैठती आटे को तो फिर क्या कहते लेट होता, तो इसलिए मैंने जैसे तैसे बना दिया पराठा, तो बन गया मेरा। तो मैंने एक स्क्वायर पराठा बनाया था और एक तिकोना तो बहुत अच्छा बना था, बट जो स्क्वायर का था ना उसका शेप नहीं पता चल रहा था कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार है और पराठा भी तैयार, तो बस अब मैं बच्चों जैसे बनता है ना पराठा तो वो तैयार करूँगी, कुछ नहीं करना है। जो बच्चों को ऑल टाइम फेवरेट होता है ना केचप और मेयोनीज, तो बस उसको स्प्रेड कर देना है पराठे पे और ये फ्रेंच फ्राइज रख देते हैं। अगर हाँ आपके बच्चे खाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा प्याज और कैप्सिकम और जो भी आपके वेजिटेबल्स अगर बच्चे खाते हैं तो आप इसमें उसको ऐड कर दीजिए, जैसे एक पनीर रोल बनता है इस टाइप से। मैंने बस वही चीज़ है और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऊपर से और काली मिर्च डाल दी है ताकि थोड़ा स्पाइसी हो, तो आरब ये इसको आराम से खा लेगा, और इसमें बहुत हैवी भी नहीं होगा उसका, आराम से हो जाएगा। और इसको रोल करके मैंने 20 से कट करके टिफ़िन में इसके लगा दिया, और जो फ्रेंच फ्राइज थोड़े से बचे थे ना तो वो भी मैंने उसके टिफ़िन में रख दिया था, आज बिस्किट नहीं रखे उसके लिए मैंने। तो और आरब बहुत लेट हो रहा था, असल में कोई आ गया था उस वजह से आरब को लेट हो रहा था, तो फिर फटाफट से उसको मैंने बैग पैक करके उसको आज उसके पापा छोड़ने गए थे, अदरवाइज़ मैं जाती थी, मतलब 2 दिन से उसके पापा जा रहे हैं छोड़ने, तो आरब पहले निकल चुका था, तो उसको मैं बाय करने आई थी बाहर तक, बाय बाय बाय, तो वो पहले निकल चुका था। और यहाँ मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में अपना, मतलब बेटा को तो भेज दिया, हस्बैंड को भी भेजना है, उनको थोड़ा ना घर में रखना है।
तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ राजमा, जो कि मैंने रात में भिगो के रख दिया था किचन में। और ये अभी ना गैस काउंटर टॉप मैंने क्लीन नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे फटाफट से उनको ये तैयार करना है, उनके लिए भी खाना। तो यही हमारा, मेरा भी खाना हो जाएगा, दिन का लंच हो जाएगा, तो हस्बैंड भी यही खा के चले जाएंगे। तो यहाँ मैंने राजमा बॉयल करने के लिए रख दिया, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, मतलब स्वाद के अकॉर्डिंग, हल्दी और काली मिर्च और लौंग, और इसमें मैं डालूंगी 1 दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाली, और 1 तेज़पत्ते का टुकड़ा डालूंगी, तेज़पत्ता ही डालूंगी, टुकड़ा तो नहीं। तो उसको मैंने चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए, और इधर जब तक मैं तैयारी करूंगी अपने मसाले की, क्योंकि फिर जितनी जल्दी मैं कर सकती हूँ उतनी जल्दी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए, तो हस्बैंड भी टाइम से निकल जाए, वरना वो तो उनको बहुत लेट हो जाता है, 11 बज ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर डाले हैं जार में, और 7-8 लहसुन की कलियाँ और अदरक। बिना लहसुन के तो मेरा खाना पूरा नहीं होता है, मुझे लहसुन के बिना, मतलब कटा हुआ लहसुन तो कम चाहिए, बट पिसा हुआ लहसुन मुझे ज़्यादा चाहिए। और प्याज भी मैंने अपना चॉप कर लिया, हाँ यार मेरा चॉपर टूट गया ना, तो थोड़ा काम मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी मैनेज कर रहे हैं, ऑर्डर करना है कर देंगे, तो वो भी आ जाएगा एक टाइम पे। तो यहाँ मेरा टमाटर भी पिस चुका, और जिस कुकर में मैंने राजमा बॉईल किया था ना, तो उसी कुकर को मैंने वापस रख के उसमें तेल डाल दिया है, और उसमें अब डालूंगी मैं अपना जो मैंने चॉप करके प्याज रखी है, जो बारीक प्याज काटी है ना मैंने अपने हाथों से तो वो डालूंगी, और डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। मतलब इसका कलर ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा जैसा ये ना गोल्डन गोल्डन टाइप का हो, गुलाबी भी ना हो और ब्राउन भी ना हो, तो गोल्डन टाइप का होना चाहिए, जो कि प्याज अच्छे से भून जाए, जैसे इस टाइम पे है ना, बिल्कुल राइट टाइम, यही है प्याज का, जो स्वीटनेस भी देता है, और वरना अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर दोगे ना, तो फिर मसाला का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने जो अपना टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, टमाटर लहसुन अदरक का, तो वो भी डाल दिया, और आज मैंने टमाटर के साथ मिर्च नहीं पीसी, क्योंकि मिर्च डालूंगी तो फिर मसालों में भी मिर्च होती है तो तीखा हो जाता है, जिसकी वजह से आराम नहीं खाता, बट मैं यहाँ पे 1-2 हरी मिर्च ज़रूर डालूंगी स्लेट करके, ताकि इससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा, बट आरब भी आराम से खा लेगा। तो मुझे हर चीज़ जो बनानी पड़ती है ना, आरब को ध्यान में रख के बनानी पड़ती है, अदरवाइज वरना मुझे दूसरा कुछ बनाना ही पड़ेगा, नॉर्मल दाल तो उसके लिए फिर बनानी ही पड़ती है अगर कुछ भी तीखा हो गया तो इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। और टमाटर में आप नमक डाल सकते हैं पहले से, डालना चाहे तो उस वैसे भी डाल के भून सकते हैं, मैं कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती, याद रहता तो डाल दिया, नहीं याद रहा तो नहीं डालती हूँ, बट ऐसे ही करती हूँ मैं। और बहुत अच्छे से अपना मसाला मैं यहाँ पे भूनूंगा, और भून भी चुका है, तो देखिए यहाँ पे तेल छोड़ दिया मसाले ने मेरा, टमाटर वाला जो डाला था मैंने। तो अब इसमें मैंने डाला है हल्दी 1 चम्मच, हल्दी मैंने उबलने में भी डाली थी तो उसी हिसाब से आप डालनी है, और लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तो ज़्यादा तीखा नहीं होता है, और ये मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा, मेरे पास क्या कहते हैं वो था, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सब्जी मसाला, वो डाला है मैंने, और काली मिर्च पाउडर बस। आज मैंने धनिया भी नहीं डाली है, क्योंकि मैं भूल गई थी धनिया डालना, जो पिसा हुआ धनिया होता है आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है गरम पानी, तो ये गरम पानी डाल के मैं अभी इस मसाले को भी बहुत अच्छे से पकाऊंगी, वरना वो मसाला ना फिर कच्चा कच्चा हल्दी जो महकती है। मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है, हम सोचते हैं ना मसाला भून गया भून गया भून गया, बट मसाला आप जितना भूनेंगे सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, कोई भी सब्जी हो। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से अपने मसाले भून लिए हैं, भूनने के बाद अब देखिए इसका कलर देखिए कैसा, कितना अच्छा आ रहा है। तो जो मैंने नमक पहले उबलने में डाला था, तो थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप भी उसे ध्यान से डालिएगा, ये नहीं कि आपने मसालू डाल लिया तो मैं भी डाल देती हूँ फटाफट से, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो बस यहाँ पे हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना राजमा जो बॉयल हो चुका है, तो यहाँ डाल दिया मैंने अपना राजमा जो डाल चुकी मैं पहले से ही। तो गाइस बस इसको मिला के इसमें थोड़ा सा, और मुझे पानी की कमी लगी क्योंकि गाढ़ा हो रखा है ये, तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा राजमा को ना पहले से ही मैश कर दिया था 1 चम्मच से, या हाथ से भी आप कर सकते हैं मैश करके, थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं, ताकि उसकी ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा और गर्म पानी मैंने मिलाया कि लिक्विड ही रहे, ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पे मेरा 1 सीटी लगा के मैंने मेरा राजमा बन के तैयार था, और धनिया डाल के मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया था। अब मैं अगर ज़्यादा लेट करती ना पूरा, मतलब सजाने वजाने में, तो बहुत लेट हो जाता, फिर पीछे से हस्बैंड वो कर रहे थे कि लेट हो रहा है, तो बस जल्दी से मैंने उनकी थाली प्रिपेयर कर दी है। और गाइज बस यहाँ पे थाली भी पल लग चुकी है, और मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये रूटीन कैसा लगा, मेरा लंच कैसा लगा, तो प्लीज़ एक बताइएगा जरूर, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल,
बाय।